पिज्जा है आपसे कि आप तेरस खाने पीने के लिए आके ये पीने के लिए कड़ा आप सब माँ बहनों को सबको लेके आओ अपने महल्ले में, अपने को बीमारी जड़ से खत्म करना है जैसा मालेगांव में खत्म हुई वैसा अपने को औरंगाबाद शहर से खत्म करना है। आप पराई मेहरबानी, आपके पड़ोसी तमाम जितने हैं सबको आजू बाजू जितने माँ बहन है सबको लेके आओ पीने के लिए। बनी मियां दरगाह में इंतजाम रखे लेडीज का अलग जेंट्स का अलग, आप पीने के लिए आओ 3 दिन के। एक मालेगांव के काड़े का कैंप रखा गया है जो हजरत बनी मियां दरगाह में चालू है अभी मेरे वार्ड में नवाबपुरा में। ये कैंप 6 दिन चलेगा इंशाल्लाह, 6 दिन कंटिन्यू ये दवा पीना है, सुबह काढ़ा आकर पीना है 6 दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चालू है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नगर सेवक हूँ, माजी विरोधी पक्ष नेता फिरोज खान। ये कैंप मैंने जो लिया हूँ ये रोटी बैंक की तरफ से यूसुफ मुकादी साहब ने करवाया है और यानी हमारी जानिब से चालू है MIM की जानिब से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, सैयद इम्तियाज जलील जो औरंगाबाद शहर के MP है, और डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब और मेरे MIM की सभी टीम सभी नगर सेवकों के वार्डों में ये कैंप चालू है और सभी ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये काढ़ा पीने के बाद औरंगाबाद, अल्लाह से उम्मीद है कि औरंगाबाद पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि मालेगांव जैसे शहर जो औरंगाबाद से सबसे आगे चल रहा था आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में सब कारोबार चालू है और ये पीने के बाद लोग पूरे निगेटिव आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मालेगांव में आज एक भी पेशेंट नहीं, चाहे मालेगांव हो। अभी ये कैंप बहुत जोरों से चालू है, मालेगांव का मंसूरा काढ़ा है, ये कैंप नासिक में चालू है, बम्बई में बहुत सी सिटियों में चालू है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये औरंगाबाद में भी चारों तरफ चालू हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि ये बहुत जल्दी लोगों में फ़ायदेमंद साबित होगा और इसका फ़ायदा अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर देगा। तो इसीलिए मैं सभी मेरे वार्ड के नौजवानों से, माओं से, बहनों से और बुजुर्गों से दुआ अपील करता हूँ कि आप इस काढ़े का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए और ये काढ़ा 6 दिन आकर यहाँ पर पीजिए। 6 दिन कैंप यहाँ चलने वाला है इतना का, और मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और आप मास्क का उपयोग करिए, क्योंकि आज शहर में बीमारी खत्म नहीं हुई, हमें हमारे परिवार को सेफ रखना है। तो आप मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइजर करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करिए।